सो हे, आज हम बनाने वाले स्पाइडरमैन ब्रश पेन से। सो लेट स्टार्ट। यहाँ पे मैं सबसे पहले व्हाइट पेपर ले रहा हूँ और उसके ऊपर मैंने मास्किंग टेप लगा दिया पेपर को स्टेबल करने के लिए। एंड देन मैं यहाँ पे फटाफट से आउटलाइन को ड्रॉ कर लूंगा मैकेनिकल पेंसिल से। आप चाहे तो नॉर्मल पेंसिल का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फ्री हैंड मेथड का यूज कर रहा हूँ आउटलाइन को ड्रॉ करने के लिए। आप चाहे तो ग्रिड मेथड का भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे भी फ्री हैंड करते टाइम मुझसे भी थोड़ा बहुत गलती हो जाता है। आउटलाइन कंप्लीट होने के बाद मैं यहाँ पे फटाफट से कलर करना स्टार्ट कर दूंगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे रेड कलर लिया है, देन थोड़े से शेडो पार्ट्स को मैं यहाँ पे ब्राउन कलर से दे रहा हूँ, फिर उसके बाद रेड कलर से ही उसे ब्लेंड कर दे रहा हूँ। ऐसे ही हम पूरे ड्राइंग को करेंगे। बेसिकली आपको सबसे पहले रेड कलर से कलर करना है, एंड देन जहाँ जहाँ पे डार्कर शेड्स है वहाँ पे ब्लैक नहीं तो ब्राउन कलर करना है, फिर उसके बाद रेड कलर से ही आपको ब्लेंड कर देना है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लू कलर कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे सबसे पहले डार्क ब्लू किया, उसके ऊपर से मैंने इसको ब्लेंड कर दिया लाइट ब्लू से। एंड देन मैं यहाँ पे ब्लैक कलर से पूरे आउटलाइन को ड्रॉ कर दूंगा। यहाँ पे मैं व्हाइट पेंसिल से हाइलाइट्स को दे रहा हूँ। एंड में मैं यहाँ पे लाइंस बना दे रहा हूँ कॉस्ट्यूम के ऊपर ब्लैक मार्कर से। सो हमारा ड्रॉइंग कम्प्लीट हो चुका है। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर ऑसम वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।